कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस सबसे खराब बीमारियों में से एक है। कई लोग इस बीमारी से पीड़ित हुए, यही नहीं हर आयु के लोग प्रभावित हुए। ऐसे रोगियों को कई दवाओं, आपातकालीन सर्जरी, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए केंद्रीय अस्पताल म्यूकर रोग से बचे लोगों के साथ है। इन समस्याओं से निपटने और प्रेरित करने के लिए आज किंग्सवे द्वारा समुपदेशन सत्र का आयोजन किया गया था। यहाँ उन्हें मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास पर परामर्श दिया। सभी मरीजों और रिश्तेदारों को अपनी समस्याएं साझा की गई। हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख इस दौरान किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर्स और म्यूकरमाइकोसिस से बचे मरीजों से बातचीत के हैं। आइए डालते एक नजर। हमारे साथ किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी ताइड़े हैं। इस समय हम उनसे जानेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट की किस तरह से उन्होंने इलाज किया है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, देन आज जो है काउंसलिंग भी रखा गया है उसके बारे में क्या बताएं। नमस्कार। जैसे हम लोग जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस एक भयानक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और इसमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हमने देखे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी आँखें गंवाई हैं, काफ़ी लोगों ने मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ी है, फाइनेंशियल ट्रॉमा था बहुत बार, एम्फोटेरिसिन का जैसे हमको पता है कि शॉर्टेज बहुत था, उसके रिलेटेड बहुत स्ट्रेस था। तो ये जो स्पैन है, पहले कोविड हुआ, उसमें बहुत खर्चा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा था, फिजिकल ट्रॉमा था, उसके बाद एक ठीक होने की कहीं आशा आई, उसके बाद म्यूकर का जो ये झटका सबको लगा था वो काफ़ी पेशेंट्स के लिए वो बहुत ही दर्दनाक था और उससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद म्यूकर का ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 2-3 महीना ट्रीटमेंट चलता है। जिनका डिसीज़ बहुत ज़्यादा है उनका ट्रीटमेंट और लंबा चलता है। तो इससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमने सोचा कि ऐसा कोई एक चीज़ करे जिसमें पेशेंट को कुछ इमोशनल सपोर्ट मिले, कहीं एक राह की किरण दिखाई दे कि इससे बाहर निकलने की उम्मीद है, हम ठीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पेशेंट्स को है। और वही दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और आशा है कि इससे पेशेंट्स को फ़ायदा होगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करके इससे निकलने में उनको आसानी होगी। किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर से हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने म्यूकरमाइकोसिस को पेशेंट्स जिस तरह से लड़ रहे थे उसमें किस तरह से उन्होंने इलाज किया। हमारे साथ पेशेंट भी है जिन्होंने खुद यह महसूस किया है कि म्यूकरमाइकोसिस ये क्या है। हमारे साथ ये मेरे बड़े भैया हैं। कोविड के बाद उनकी एक आँख से दिखना बंद हो गया था और आँख में सूजन थी, तब हमें पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और हम एक डॉक्टर के रेफरेंस के थ्रू अश्विनी मैम से मिले यहाँ पे। उन्होंने बताया कि ये म्यूकरमाइकोसिस है एंड इसका ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ डॉक्टर श्वेता लोहिया एंड अफजल सर है, उन्होंने ट्रीटमेंट करी थी। 10th में उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद भी समस्या आई, जैसे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए काफ़ी किंग्सवे ने काफ़ी प्रयत्न किए और इंजेक्शन मिलवा के दिए एंड उसके बाद ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ। 1 महीने तक ट्रीटमेंट चला एंड आज वो हमारे साथ है। हमको तब लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, बट आज वो हमारे साथ खड़े हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल। आपका जो है ऑपरेशन किया गया है, प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है लेकिन आज वो खड़े हैं हमारे साथ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और श्योरली आगे भी धीरे धीरे ही सही लेकिन वो प्रोग्रेस करेंगे। और थोड़ा अभी तक वज़न बढ़ना बाकी है बट मुझे लगता है कि 1-2 महीने में वो अपना रूटीन स्टार्ट कर पाएंगे। जिस तरह से हमने अभी तक डॉक्टर्स की राय देखी और किस तरह से उन्होंने पेशेंट की जो हेल्प की है म्यूकरमाइकोसिस को फाइट करने में, और आज जो काउंसलिंग रखा गया है मरीज़ों के लिए उसके बारे में भी हमने जाना, और भी मरीज़ हमारे साथ हों उनसे भी हम जानेंगे उनका अनुभव किस तरह का रहा है। कोविड की दूसरी लहर के बाद हमने पाया कि जो कोविड पेशेंट है उनमें म्यूकरमाइकोसिस या फंगस जो है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस की जो है बीमारी देखने को मिली है। उसी के चलते जो है किंग्सवे अस्पताल द्वारा इन मरीजों में काउंसलिंग किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता लोहिया मैडम है किंग्सवे अस्पताल से। हम जानेंगे कि आज जो काउंसलिंग किया जा रहा है मरीजों का।
नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता लोहिया, ईएनटी कंसल्टेंट, किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर। तो म्यूकर माइकोसिस की एक लहर आई थी जो अप्रैल मई में बहुत पीक पर थी। आज हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप पे हैं। तो क्या म्यूकर माइकोसिस सिर्फ एक मेडिकल बीमारी थी? जब फॉलोअप पे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे थे तो हमने ये रियलाइज़ किया मेडिकल बीमारी के साथ साथ इन पेशेंट्स को बाकी की तकलीफ़ें भी हो रही है, जैसे उनको बहुत सारे इमोशनल तकलीफ़ें हो रही है, साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस रह रहे हैं, वो अपने नॉर्मल रूटीन में आने में उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके खाने पीने की तकलीफ़ें, फाइनेंशियल इशूज़, रिहैबिलिटेशन लेकर इशूज़। तो हम आज का हमारा जो मीट का उद्देश्य है वो ये है कि मेडिकल इलाज तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनको जो बाकी की दिक्कतें हैं हम उसको भी एड्रेस करें और उसमें उनका साथ दें और एक ग्रुप बनाएं जिसमें मरीज़ आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। धन्यवाद। जिस तरह से हमने देखा कि हमेशा की तरह किंग्स अस्पताल इस बार भी जो है मरीजों का साथ नहीं छोड़ा गया है, मरीजों को आखिर तक वो जो है पूरा इलाज जो है किंग्सवे अस्पताल द्वारा किया जा रहा है। और भी डॉक्टर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या आज काउंसलिंग जो किया जा रहा है किस विषय पर है और क्या इससे मरीजों में एक हौसला, ये मरीजों के लिए हौसला अफजाई हो सकती है। किंग्सवे अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर विपिन देहनी भी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से आज जो ये काउंसलिंग रखा गया है पेशेंट्स के लिए, जिस तरह से उन्होंने म्यूकर माइकोसिस को मतलब म्यूकर माइकोसिस के साथ फाइट किया है और डॉक्टर्स भी उतने ही उनके साथ है, क्या बताएं? नमस्कार। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि जिनको हमने ऑपरेट किया म्यूकर माइकोसिस के लिए, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, उनको एक साथ बुला के उनको साइकाट्रिस्ट से काउंसलिंग कराए, उनको इसके बाद में क्या रिहैब कर सकते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर दांत लगा सकते हैं, आँखों का प्रोस्थेसिस दे सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या चेंज कर सकते हैं, इस तरह का हमारे क्वेश्चन आए थे कि कैसे किस तरह से करना। तो उसी एक रीज़न के कारण हमने मीट सर्वाइवर मीट ऑर्गेनाइज़ की किंग्स की तरफ से। बिल्कुल, जब किंग्स दौर चल रहा था कोरोना थी, जिसके बाद कोविड के बाद ये पता किसी को भी नहीं था कि इस तरह का फंगस आएगा और इस तरह का सब जो म्यूकर माइकोसिस जो है नाम तक का बहुत कम लोगों ने सुना था, ऐसी बीमारी आएगी, इसके लिए भी आप तैयार थे? देखिए, ये एक कोविड 19 पैंडेमिक का अर्थक्वेक था जिसमें सुनामी की तरह म्यूकर माइकोसिस आके चले गए। तो जिस जो सिचुएशन में ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस आया था हमारे पास, तो उसको हमने एज ए साइंटिफिकली काफ़ी अध्ययन किया कि इसके पहले फर्स्ट वेव में कितने केसेस आए हुए थे, उसके एनालिसिस करके उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया और वहाँ पे हमने हमारे हॉस्पिटल किंग्स में इम्प्लीमेंट किया, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते गए। डॉक्टर विपिन देहने, किंग्स हॉस्पिटल, नागपुर। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, सब ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, सब चीज़ की अवेलेबिलिटी और ये सब बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑल वे वेरी गुड, सब ने कोऑपरेट किया बहुत अच्छे से और आज की काउंसलिंग भी बहुत अच्छी है। जिस तरह से मरीजों ने म्यूकर माइकोसिस के लिए इलाज करवाया है, और भी मरीज़ हमारे साथ है, बुज़ुर्ग है वो, हम उनसे जानते हैं, उनके परिजनों से जानते हैं कि इस तरह का अनुभव यहाँ किंग्सवे का था। किंग्सवे का अगर सफ़र बताएं तो बहुत ही अच्छा था, यहाँ के सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा था, मतलब सारे इतने हेल्पफुल है कि मैंने आज तक किसी और हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं देखी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या अदर कोई स्टाफ हो, हाउसकीपिंग हो, एवरीथिंग इज वेरी गुड। बिल्कुल, म्यूकर माइकोसिस जो बीमारी है ये ना तो हमने कभी सुनी थी और कोविड के बाद ऐसा आपने भी नहीं सोचा होगा, कैसे पता चला कि ये म्यूकर माइकोसिस है और किस तरह के ट्रीटमेंट जो है कि उस द्वारा दी गई है और अभी जो आज काउंसलिंग है उसके बारे में आप क्या सबसे पहले तो इनका जो म्यूकर हुआ वो जैसे एक नॉर्मली छाले थे, जैसे इनको खाना नहीं हो रहा था, दिखा लग रहा है, कुछ चबाने में मतलब तकलीफ होती थी, बस उसी के लिए हम कि चलो एक एंटी को दिखा दे, अब कोविड से तो रिलीफ हो गया है, तो उनकी नॉर्मल लाइफ भी रनिंग पे आ गई थी, 15 डेज वगैरह हो गए थे कि वो नॉर्मली सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बट एक ऐसे लग रहा था कि चलो अभी इतना कुछ तो हो गया है कि एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तो
उस छाले के वजह से उनका डिटेक्ट हुआ कि साइनस में इनको फंगस कम्प्लीटली फील हो गया है और वो एक ब्रेन के मेंस तक भी वो चला गया है। तो हमने किंग्स हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली रोहिया मैम की और डियानी सर की, उन्होंने आज एक सक्सेसफुली इनको ट्रीट किया है और आज आपके सामने खड़े हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि हमेशा की तरह किंग्स में अस्पताल द्वारा कोविड में भी उसी तरह का रिस्पांस जो है, उसी तरह की सेवा जो है मरीजों को दी गई, देन म्यूकरमाइकोसिस आया उसमें भी मरीजों की उसी तरह ट्रीटमेंट की गई बिना किसी झिझक के। और यहाँ जो हमने अभी मरीज देखे हैं उनका अनुभव भी हमने जाना कि वो यहाँ पर आकर यहाँ के ट्रीटमेंट लेके पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं। और आज जो है उन्हीं के लिए एक काउंसलिंग रखा गया है, समुपदेशन जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसिस में मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिज देशमुख।